देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ पुष्पा द राइज फिल्म के फर्स्ट हाफ के मिड रिव्यू के बारे में। ये फिल्म हिंदी वर्जन में मैं देख रहा हूँ सुबह 9 बजे का गोल्ड सिनेमा में मालवनी में। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट हाफ के हिसाब से ये फिल्म झंडे गाड़ने वाली है हिंदी सर्किट में, ये आप मान के चलिएगा। पुष्पा बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है, शिवकुमार का डायरेक्शन एक नंबर का अभी तक लग रहा है। 1.5 घंटा मैंने ये फिल्म को देखा और ऐसा लगा कि 2 घंटे के आसपास देख लिया। बहुत बड़ी फिल्म है लेकिन पूरा एंटरटेनमेंट इस पिक्चर में है। फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं द राइज ऑफ पुष्पा यानी कि जो पुष्पा राज का करेक्टर है, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, लेकिन एक नाजायज औलाद के साथ क्या क्या दिक्कतें होती है वो तो कहीं ना कहीं एक एंगल है ही इस फिल्म में, पर्सनल एंगल। वहीं पुष्पा किस तरह से पुष्पा राज बनता है, वो इलीगल स्मगलिंग क्यों करता है, क्या करता है, उसका एक करेक्टर कैसे डेवलप होता है, उसको बॉडी में कैसे क्या दिक्कत होती है, ऐसा थोड़ा चलता ना। वो बहुत ही बढ़िया बॉडी लैंग्वेज है। और एक चीज़ जो मुझे डर लगा था वो था कि डबिंग क्या गड़बड़ तो नहीं होगा, लेकिन श्रेयस तलपड़े ने कमाल की डबिंग की है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। और हिंदी में जिसने भी डायलॉग्स जो भी लिखा है ये कमाल लिखा है, बहुत बढ़िया गोल्ड माइंस है डबिंग की इस फिल्म की। और जिसका क्रेडिट आई थिंक मनीष तिवारी को जाता है। तो कुल मिला के जो है ना गोल्ड माइंस के करता रहता है, तो कुल मिला के ये फिल्म फाड़ देगी। ये फिल्म हिंदी में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स तो बनाएगी। ये फिल्म बहुत कमाल की होने वाली दोस्त मेरे। 1.5 घंटा मैं पूरा मतलब ऐसा एक्साइट हुआ, इतने लॉन्ग शॉट्स से, इतने बढ़िया विजुअल्स, इतने बढ़िया क्लोज शॉट्स, और क्या करेक्टर डेवलपमेंट है यहाँ पे। पुष्पा के अलावा उसके साथ एक उसका दोस्त जैसा कोई बंदा रहता है, वो कॉमेडी भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा रश्मिका मंदाना का करेक्टर जो अभी तक मैंने देखा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सटीक है। उनका जो लव इंटरेस्ट है पुष्पा और रश्मिका का, प्यार जो शिवल्ली का, वो बहुत बढ़िया तरह से दिखाया गया है। अभी तक ये फिल्म फाड़ रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कमाल का इंटरवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पुष्पा फूल नहीं है, पुष्पा फायर है, ये मैसेज इंटरवल तक हमें मिल जाता है। एक्चुअली में बहुत सारे विलन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म में। और हमें 3 विलन्स जो स्टार्टिंग में मेन है वो दिखाए गए। मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करने वाला हूँ, लेकिन सेकेंड हाफ इस फिल्म का और पार्ट होगा ये मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ के हिसाब से म्यूज़िक, सिनेमेटोग्राफी हर तरह से फिल्म भारी है। और इसके जो गाने हैं हिंदी वर्जन के वो भी बहुत अच्छा है, यानी कुल मिला के ओवरऑल बढ़िया हिंदी डबिंग है। और मुझे अभी तक जो है उस हिसाब से रेटिंग देनी है तो मैं इसे अभी तक के हिसाब से 4 स्टार दूंगा। इट्स एंटरटेनमेंट फिल्म, और जिस थिएटर में देख रहा हूँ कम से कम 60-70% ऑडियंस, और दे आर रियली लविंग इट एंड शेयरिंग अप फॉर दिस फिल्म। सो पुष्पा द राइज हिंदी वर्जन मिड रिव्यू इज लाइक, ये फिल्म फाड़ने वाली हिंदी सर्किट में, और ये फिल्म बहुत बढ़िया बनाई गई है। फिल्म के टाइम जैसे भी फुल रिव्यू होगा मैं दूंगा।